नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। शुक्र है कि काफी सारे लोग बच चुके हैं फ्रॉड से और बहुत सारे लोगों तक अवेयरनेस जाना बचा हुआ है। तो आज फ्रॉड से बचने के लिए मैं 10 स्टेप आप लोगों को क्लियरली बताने वाला हूं, ताकि ये सारे चीजों को जो मैं पॉइंट बता रहा हूं अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपके साथ जब भी कुछ होने वाला रहता है तो चेक करिए इसमें से कोई भी चीज आपके साथ हो रहा है, अगर हाँ तो फिर फ्रॉड है, राइट। तो सबसे पहला चीज ये कि आपको कॉल आएगा, इसका मतलब ये कि वो कहीं से डेटाबेस अरेंज करते हैं, अरेंज करके वो डायरेक्टली बात करते हैं और वो प्रॉपरली सोर्स तक नहीं बताते कि कहां से उनको मिला है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि वो आपको खोज के आपके तक पहुंचेंगे क्योंकि आपसे पैसा वसूल करना है। दूसरी चीज ये कि उन लोग खुद अपने तरफ से ऑफर करेंगे कि सर हमारी कंपनी फलाना है, जिसको जल्दी से बोल के वो स्किप हो जाएंगे और वो बोलेंगे कि हमारी कंपनी के पास ऑफर है कि अगर आपको चाहिए लोन तो ऑफर वो ही प्रोवाइड करने वाले हैं। कुल मिलाकर वो ऑफर करेंगे आपको, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे पहले कि हम लोग कुछ बोल पाए, हम लोग के पास क्या हुआ, सबसे पहले तो कॉल खुद आ गया, वाह हम तो वीआईपी बन गए। दूसरा खुद ही वो ऑफर दे रहे हैं, वीआईपी पार्ट टू बन गए। तीसरा लो इंटरेस्ट रेट पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा पता नहीं मतलब कहां से वो भगवान है कि मैं खुद भगवान हूं कि मेरे तक वो आ रहा है, राइट। चौथा इंपॉर्टेंट चीज, यहां तक भी मामला रुकता नहीं, वो कहते हैं हाई अमाउंट, हाई लोन अमाउंट की बात होती है, इसका मतलब लोन अमाउंट बहुत ज्यादा रखते हैं उन लोग, उनको पता है कि आपकी हैसियत क्या है, कहां तक का आपका जरूरत है। वो कहीं ना कहीं से डेटा ले लेते हैं और आपसे बात करते करते असेसमेंट कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कि अगर आप 1 लाख सोच रहे हो तो 5 लाख बोल देंगे, अगर आप 5 लाख बोल रहे हो तो 1 करोड़ बोल देगा, 1 करोड़ सोच रहे हो तो 10 करोड़ बोल देने वाला। जैसे ही हम लोग कन्विंस हो गए कि हमारे पास लोन आ रहा है, सस्ते रेट में लोन आ रहा है, बड़ा अमाउंट आ रहा है, ऑफर खुद से आ रहा है, उसी समय हम लोग तैयार हो जाते हैं और मन में पूरा ख्याली पुलाव पकना चालू कि अब क्या क्या इससे करने वाले, राइट। यहां तक भी मामला नहीं रुका, पांचवा एक और चीज उन लोग चिपका देते हैं आपके ऊपर कि कोई सिक्योरिटी नहीं लगने वाली। तो हम लोग इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी है भी नहीं और होगा भी तो देने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। छठवां पॉइंट ये कि अगर जॉब से कनेक्टेड कुछ है तो आपको बहुत सारे पोस्ट बता देते हैं कि आपको ये पोस्ट देने वाले, इस जगह पे पोस्टिंग मिलने वाली है और आपको पूरा माइंड ब्रेन वॉश हो जाता है। अगर आप कहीं से भी अनएम्प्लॉयड हो या फिर कहीं पे कम पैसे की नौकरी कर रहे हो और ये तुरंत बोलते हैं कि ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे, केवल 20,000 रुपए देंगे और उसके साथ इंसेंटिव जो रहेगा उसमें आपकी कमाई होगी 40-50,000 रुपए, लेकिन वेतन ज्यादा नहीं दे पाएंगे, खाली 20,000। आपका प्रेजेंट जॉब जो है वो केवल 5-10 हजार रुपए दे रहा था, हो सकता है आप अनएम्प्लॉयड भी हो और आपको सीधा 20,000 का ऑफर मिल जाए और उसके ऊपर में सीधा बोले कि भाई इंसेंटिव में 50-60 हजार कमा सकते हो, देख लो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भयंकर खुश हैं भाई। अब सातवां पॉइंट है कि कई बार ऑनलाइन इंटरव्यू लेने की बात करते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो केवल आप लोग नहीं देख रहे, वो भाई लोग भी देख रहे हैं कि अरे ये क्या क्या चीजें बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी बिल्डअप करने के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू भी ले लेते हैं कि सर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें बहुत हमारे बॉस आने वाले हैं, वो बॉस आने वाले हैं, अब नया आवाज में या तो वही बंदा बात करेगा या फिर उसका एक और दोस्त जो कि वो फोन करेगा आपको, तब आप सुनिए और आराम से देखिए, वो बोलेगा कि अच्छा अच्छा ये करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा और ऐसे सवाल पूछेगा जिसका जवाब आपको लगेगा कि आप केबीसी का एकदम 5 करोड़ का ये आंसर दे दियो और आपको पूरा फील आ जाएगा कि आज तो मैं इंटरव्यू जीत के आया हूं, राइट। तो ये इंटरव्यू भी ऑनलाइन होगा, ठीक है। और जैसे इंटरव्यू हुआ, घर में गए, ख्याली पुलाव बनने लगे और सीधा चूल्हे में भी पुलाव बनने लगे। आठवां पॉइंट, सीधा वहां से रात में फोन आ जाएगा कि सर आपका इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ बट देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, तो वी आर थिंकिंग ऑफ व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, लेकिन आपको ही सिलेक्ट किया गया है। 1 सेकंड का पॉज और आपका खुशी का पूरा पॉपकॉर्न फूटा। और आठवां पॉइंट ये बोलता है कि सर मैं आपको 10 ठोक मेल कर चुका हूं जिसमें सैंक्शन लेटर ये वो 10-15-20 पन्ने का और इतना खुशी मैं बता नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह कब मैं जाऊं चॉइस सेंटर में और कब जाके या फिर जो प्रिंटिंग वाले जगह रहेंगे तो कलर में प्रिंट निकालना चाहिए, कलर में प्रिंट निकाल के मैं खुद भी देख रहा हूं, पूरे गांव को दिखा रहा हूं, देख भैया नौकरी लग एकदम रंगीन में आया बराबर। तो वहां पे जॉब लग गया आपका, एकदम पूरा लाइफ सेट है और उसके बाद में पूरा बाकी सारी चीजें भी जहां जहां आपका कनेक्शन है सब जगह पे सेट हो चुका है और आगे का फर्दर प्लानिंग चालू, राइट। ये हो गया आठवां पॉइंट, ध्यान रख लेना ऐसा कुछ होगा तो खुश मत हो जाना, बराबर। नौवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे वो लोन हो चाहे जॉब हो, वो क्या है मैं बता दूं आपको कि फेक नाम से सिग्नेचर रहेगा, वहां पर कोई नाम रहेगा ही नहीं, उस नाम का कोई व्यक्ति आपको कहीं दुनिया में दिखने नहीं वाला है। जो साइट वो कनेक्ट करेगा वही साइट खुलेगा, उसके अलावा वैसी कोई साइट है भी नहीं। दसवां पॉइंट भी आपको बता देता हूं, दसवां पॉइंट ये है कि आपको वो कुछ चार्जेस देने बोलेंगे,
आपको चाहिए लोन, खुद अपन गरीब आदमी है, हमको लोन चाहिए 3-5 लाख रुपए का, वो हमसे मांग रहे हैं पहले केवल 2,500, एकदम बस आदमी फंस जाए, बस जैसे भी फंस जाए, ये 2,500 रुपए दिए अपन फंस गया, बोले कि बस 2,500 तो हो गया लेकिन लोन का एग्रीमेंट का पैसा चाहिए, लोन का एग्रीमेंट आपके बिना हो जा रहा है, स्टैंप आपके बिना खरीद लिया जाएगा, पैसा आपसे खींचना है, लेकिन आप तो कलाकार हो, एकदम कुछ समझ में आता नहीं है, 11,000 और दे दिए। अब 11,000 देने के बाद में बोले सर सब सैंक्शन हो गया, बस अब जो प्रोसेसिंग फीस है ना वही बचा हुआ 2-3% है, अब वो 10 लाख का 3% 30,000 रुपए होता है, वो 30,000 भी दे दो। आप सोचो ये करोड़ों का हुआ तो क्या होगा। मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ हमारे वीडियो कंक्लूड करने से पहले, बॉम्बे में हमारे एक भाई थे, ऐसे किसी ने उनको फोन किया कि करोड़ों का लोन देंगे, तो ये बोले अच्छा मुझे तो लोन नहीं चाहिए, मुझे केवल फीस से मतलब है, आपको कितना फीस चाहिए, बोले 3 लाख, उधर सामने ने पार्टी से बात कर लिया 10 लाख, ये 3 लाख वो खुद लगाने तैयार है। पार्टी ने बोला कि सर मैं 1 रुपए भी पहले नहीं दूंगा, पार्टी समझदार अपने टाइप की, 1 रुपए पहले नहीं दूंगा, लोन पहले आऊंगा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, 7 लाख का मार्जिन है, 3 लाख खर्चा कर लेते हैं। 1 लाख खर्चा किया, उसके बाद भाई ने मेरी वीडियो देख ली, वीडियो देखती सब तुरंत मेरे पास कॉल आया, बोले सर इस टाइप का हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, पार्टी एकदम ठीक लग रहा है। मतलब आप ही जज हो, तो मेरे को पैसा क्यों दिए, कंसल्टेंसी के लिए ना, तो मुझे भी तो जांच कर लेने दो। फिर मैंने जांच करके बताया, मतलब भैया फ्रॉड है और कभी जीवन में आपका काम नहीं होने वाला है, आज तक उनका फोन नहीं आया। तो 1.25 लाख रुपए उनके डूब चुके हैं, और ऐसे कई सारे लोग हैं, आप भी जरूरत के मारे हो, लेकिन प्लीज कहीं पे 1 रुपए मत देना जब आपको खुद चाहिए पैसा। आप जब तक किसी के पास पहुंचते नहीं हो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बच्चे को भी खाना नहीं मिलता छोटे बच्चे को जब तक वो रोता नहीं है, तो आपको कौन लाकर देगा पैसा, नहीं ना। तो फिर प्लीज कहीं पे पैसा मत देना। ये पूरे 10-11 पॉइंट जो मैंने बताया ध्यान से पूरा सुनो, ये पूरा पॉइंट नोट करो, 1 रुपए किसी को नहीं देना, और मैं लूटना नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है आप लोग लूट जाते हो तो, राइट। थैंक यू वेरी मच। मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।